आगे बढ़ेंगे खबरों में। पन्ना में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आती है। दरअसल यहां एक शिक्षक को कोरोना पॉजिटिव बताकर कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया गया। यहां तक कि 3 दिन तक का शिक्षक का इलाज जो है चलता रहा, लेकिन बाद में खुलासा होता है कि शिक्षक कोरोना पॉजिटिव नहीं था और इसी के बाद उन्हें गलती से कोविड सेंटर में भर्ती करा दिया गया। और इस घटना के बाद से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और परिजनों के बीच जमकर विवाद भी हुआ है। परिजनों ने शिक्षक को घर ले जाने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में स्वास्थ्य विभाग ने शिक्षक का टेस्ट करवाने की बात कही, तब जाकर मामला शांत होता हुआ दिखाई दिया। 3 दिन हमको दवाइयाँ खिलाई गई, दोनों समय काढ़ा पिलाया गया और 4 प्रकार की गोली दोपहर को और 2 प्रकार की गोली शाम को जी खिलाई गई हमको बराबर। और बीपी नापा गया, शुगर नापी गई और कोरोना ना होते हुए भी बाद में हमें बताया गया कि नहीं, आपको आप तो नेगेटिव थे पहले से, गलती से आ गए थे और अब आप घर जाएं। ये किसने बताया आपको? सिस्टर ने आके बताया और एक बाद में काफ़ी जिद की तो एक रिपोर्ट भी दी, बोले अब आप नेगेटिव हैं और आप घर जाएं। घर वाले कह रहे हैं कि अब आप टेस्ट कराओ, कोरोना है नहीं तो किसी और को हो जाएगा। देखिए, इसमें लापरवाही तो नहीं कहेंगे, एक तरह की चूक मान सकते हैं इसको, कि एक ही नाम के 2 लोग हो गए और लगभग एड्रेस भी और घर भी आसपास ही था, तो उसमें ऐसी कंडीशन कभी कभी निर्मित हो सकती है कि हमारी टीम द्वारा नहीं आइडेंटिफाई कर सही कर पाए कि कौन व्यक्ति एक्चुअल में फैक्ट है। और दोनों ही लोग जो है एक ही नाम के थे, एक व्यक्ति ऑलरेडी DH में भर्ती है, एक यहाँ पे आए, तो ये वैसे भी कुछ इनको समस्या थी। ऑब्जर्वेशन के रूप में आप मान लें कि 3 दिन ऑब्जर्वेशन में हमने यहाँ रखा इनको और उनकी रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो हम इनको छोड़ना चाह रहे हैं।